सो गाइस हम लोग अभी नहीं आना था पीछे से। सो गाइस आपको कौन सा अच्छा लग रहा है बताना। हाँ कम गाइस कैसे हो आप लोग, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस अभी मैंने सुबह से बस आराम किया है। मेरा ना मतलब उठने का मन ही नहीं कर रहा था बेड से, क्योंकि इतना आराम मिल रहा था, कुछ शोर नहीं, इतना पीसफुल, इतना मजा आ रहा था। मैं बस टीवी देखे जा रही थी और अब इतना गुस्सा आ रहा है ये लोग जब से आए हैं। वंशिका इतनी किचकिच करती है ना खाना देख के, मतलब कितनी करती है, कितनी करती है। अभी ना पता है मेरे को बोल रही इसने बोला सोना ने कि पानी की बोतल भर के लिया, भाग गई ऐसे खिलसा हुआ है ना वो। और मम्मी ने इतना बुरा किया मेरे साथ सुबह, मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। तो मैं आपको एक्ट करके दिखाती हूँ, जैसे कि देखो, जैसे कि यहाँ पे नहीं है ये प्लग है, मम्मी को प्रेस करना था तो एक नीचे भी है हमारा ये प्लग। हाँ तो मम्मी ने क्या करा, वहां से आई, मैं टीवी देख रही थी आराम से, मजा आ रहा था, मम्मी ने ये प्लग हटा दिया और ना वो लगा दिया प्रेस वाला और चली गई गुनगुनाते हुए। हाँ फिर मैं उनको ऐसे देखी जा रही, वापस आई मम्मी, यहाँ बैठी गुनगुना रही ना ना ना, मेरे को देख रही, फिर ना 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 यूं कर रही। हाँ मैंने बोला या शायद तो उनको पता नहीं है या मेरे से पंगे ले रही है। हाँ तो फिर मैंने बोला मम्मी तुमको शर्म नहीं आई, कोई टीवी देख रहा था तुमने प्लग हटा दिया। कह रही हाँ सॉरी मेरे से गलती से हो गया, मेरे को पता ही नहीं था। मैं वही मम्मी सोच रही कि मम्मी बोल रही कि मैं वही तो सोच रही हूँ तू मुझे ऐसे ही घूर रही है। मम्मी शर्म नहीं आया तुम्हें? अरे मुझे कसम से बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैंने टीवी बंद कर दिया है। टीवी बंद कर दिया है और डायसन एलेक्सा का लंच का टाइम हो गया है। मेरा डायसन अंडा खाया, अंडा ले बाबू। चुप बैठ ना आलसी। मम्मी अपने रोल ले सकते थे ना बैठे बैठे। मम्मी ये सोना का इंतजार करती है। मैं बैठी हुई थी, मैं क्या कर रही थी बताना? पता है आज मोनबंजी का मोना ने झाड़ू लगाए हैं। ठीक है बस झाड़ू लगाया मैंने, बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे नजारे, ठीक है ना। और टाइसन कह रही तुझे सोना स्कूल से आके देखो ठूस रही है आलू सोयाबीन। सोना आलू सोयाबीन कैसी लगती है तेरे को? आलू नहीं अच्छा लगता, सोयाबीन ठीक है। अच्छा कुछ भी नहीं अच्छा लगता, वो तो जबरदस्ती में खा रहे हैं। अच्छा लगता ना मोमोज? पहले ना मेरी चौमिन फेवरेट थी, पर इन्होंने मोमोज खिला खिला के ना मेरे को ऐसा कर दिया है। मोमोज फेवरेट हो गया, मोमोज फेवरेट हो गया मेरे। हाँ और मम्मी ने जो फिटिंग करा, व्हिच टाइप ऑफ मोमोज डू यू लाइक द मोस्ट? मोमोज सारे सारे सारे। हाँ आप लोग बताना चौमिन ज्यादा टेस्टी होती है या फिर मोमोज? इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ये लास्ट में बोलना होता है। और मम्मी ने ना जो फिटिंग करवाने के लिए दिए थे ना वो आ गए हैं, और सोना और मैं आपको ट्राई करके दिखाएंगे जब सोना खाना खा लेगी। सो गाइस हम लोग अभी नहीं आना था पीछे से। सो गाइस सोना और मैंने ड्रेस पहन ली है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, चला जा। तू अपनी दिखा। नहीं पहले नहीं तू दिखा, दिखा दिखा पहले मैं गाऊंगी। तू आएगी तो आ। फैशन का है ये जलवा, है जलवा, है जलवा, फैशन का है ये जलवा। पीछे जाना ऐसा दिखा पूरी फुल। तो ये फिटिंग हो गया, ये तो इसकी फिटिंग कैसे लगी? एकदम फिट है तेरे पे? एकदम फिट है, कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, पूरा जीरो साइज है, जीरो साइज है। अब मेरा ऐसे कर रही हूँ, चुपके से जाओगी, चलना चलना ओवर एक्टिंग। अच्छा वन टू थ्री जलवा। ये रहा मेरा पिंक 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 पिंक, मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा लग रही है येलो वाला या पिंक वाला, कमेंट में बताना। और सबसे अच्छा कौन सा लगेगा वो भी कमेंट में बताना। हाँ हम दो ट्राई करेंगे ना, एक ये रहा, दूसरा ट्राई करेंगे। आप लोग बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा है। सो गाइस हमने बुलाए हैं चीफ गेस्ट, ये बताएंगे हमको कि किरण सिंह बताएंगे कि कैसा लग रहा है हम पे। तो सबसे पहले सोना वॉक करके, वॉक आपको कौन सा अच्छा लग रहा है बताना। हाँ कम मेरे को ठीक लगा है, सेम ही है दोनों। बस कुछ और भी अलग है क्या? ये मोटी और मम्मी ये बताओ
देना चाहोगी इसको? किसको? इसको 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 सूट को? हाँ, मतलब कैसा लग रहा है 10 में से हमारे ऊपर? 10 में से और अब पहले से 7 तीन नंबर किसके काटे? तेरे मुताबिक ठीक है, 7 भी ठीक है, 3 नंबर उसका पतला पे अच्छा ठीक है। और मम्मी का भी है, मम्मी ट्राई करके दिखाओगी हमारी ऑडियो को? चल पागल है, पहले वाले क्लिप में सो रही थी, मैं सो रही थी, हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं दुनिया भर के, मेरे को देखो उठा दिया, हमें चीफ गेस्ट की जरूरत ही नहीं। पहले वाले क्लिप में इसने इसको ड्रेस बोला है, कुर्तों को देख ओके गाइस कुर्ती। और आप लोग भी कमेंट बताना कि हम पे ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है या फिर वो वाली जो हमने पहले पहनी थी। एक और पहन के आते हैं, वो हमने पहली उसमें वीडियो बना ली है, नहीं हमने पहली वीडियो बना ली है उसमें, आप लोगों ने देख ली होगी, पर कोई बात नहीं, हम आपको एक बार ट्राई करके दिखा देते हैं। अब आ गई हमारी तीसरी आउटफिट, हम व्लॉग कर रहे हैं या फिर हॉल वाली वीडियो बना रहे हैं कोई बात नहीं। और ये नहीं सोना कि ब्लू सोना अच्छे से दिखा दे ऐसे आगे लाके, इसके अंदर लगे हैं बटन, सेम मेरा यही है पर थोड़े बटन अलग है और इसकी में थोड़ी शाइनिंग है। और मैं गैस बता दूं, मेरे को ना आलस आ रहा था इसको प्रेस करने में तो मैंने पहना नहीं, इसलिए पहना भी नहीं, अपने पहन तो ले, देखो सेम ही हम दोनों का ऑडियंस बताएगी कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा लग रहा है। ठीक है गाइस, तो आप लोग कमेंट में बताना और मिलते हैं आपसे हम बातें। सो गाइस अभी मम्मी बना रही है खाना और लगता है आज कुछ हमारे घर पे अच्छा बनने वाला है, क्योंकि मम्मी आज बाहर से बहुत सारा सामान लाई थी। तो मम्मी से पूछते हैं क्या बना रही है, मम्मी क्या बना रही हो? क्या बना रही हो? ये इडली का पेस्ट बना, कितना मस्ती लग रहा है, इडली बन रही है क्या? क्या अब भी खुश नहीं है भैया, अभी इतना खाएगी नहीं है किसी चीज में, कम से कम 10 इडली खाएगी है। नहीं मुझे इडली पसंद तो है पर पसंद नहीं, ओ पर नखरे करने ही बोले, नखरे करने हैं पर खाना है। और पर की लोग बाहर से लाते हैं इडली, हमारी मम्मी शेफ है तो मम्मी ने उन्हें घर पे बना ली है। चलो खा ही लूंगी, खा ही लूंगी, खुद बनाना पड़ता है ना तो पता चलता, पता किस क्या किस चीज का ये पेस्ट बन रहा है, मतलब सूजी दही नमक। अच्छा इसने तो बताया, मैं उसको पूछ रही बेकिंग सोडा रही है, तू तो सामने बैठ के देख रही है ना इसलिए तुझे पता है। हाँ ज्यादा ही बन रही है ना, दिमागदार रही थी ना, उससे पूछ रही थी तो कैमरा लेके घूम रही है। अरे गुज जाएगी पेस्ट में, गुज जाएगी ये, मुझे मजा बंजे यहाँ पे तैयार हो रही है। बंजे तू खुश है इडली बनने से? नहीं नहीं हम एक्सपर्ट कभी खुद नहीं उतरते किचन, वो बस खाली टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है, तो हम टेस्ट करके बताएंगे। चोमू आप बनाइए चोमू। तो गाइस खत्म कर दो ब्लॉग या फिर इडली बनने का वेट? हाँ इडली बनने के बाद दिखाएंगे, इडली बनने के बाद। तो ठीक है गाइस आपको दिखाती हूँ मैं इडली बनने के बाद, दिखाती हूँ कैसे गो गो प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी इडली बनाती हूँ मम्मी। सो गाइस फाइनली खाना बन गया है और बहुत टेस्टी लग रहा है इडली सांभर और चटनी। मैं यहाँ से मतलब लेटी हुई थी, देख रही थी मम्मी इतनी मेहनत से बना रही है इडली सांभर और रेड चटनी बहुत ज्यादा ही टेस्टी लग रही है। पंचा तेरे को कौन सी चटनी पसंद है? मैंने वही ली है। अच्छा रेडी ली है बस, ये देखो ये री प्यारी प्यारी सी इडली और ये चटनी और ये सांभर। रुक जा सोना ने खाना शुरू कर दिया है, कैसा है? देखो अभी मम्मी वहां पे देखो किचन में खड़ी हुई है और इडली रख रही है बनाने के लिए, है ना अम्मी? अच्छा मम्मी भी तो खाएंगी इसलिए अभी तो हमें ही सर्व किया है, अब खा ही लेती हूँ अच्छी लगे या नहीं। आज खाऊंगी दवा के इडली विडली, वैसे तो हमेशा भर के खाती हूँ मैं, अभी फिर खाऊंगी, आज कुछ ज्यादा ही भर के खाऊंगी मैं। और बस गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, इंस्टाग्राम का लिंक के डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लेना। बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए
और टाइसन भी आ गया है इस कचरे में हमारे। ताई ताई बाय कह दे बाय। मोटू इग्नोर कर रहा है। बाय कह दे अंशिका। बाय बाय।